हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 56, और यह वर्कशीट आपका 16 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर एंड न्यू कार्टेशियन साइन गिवन। ये स्फेरिकल मिरर में कैसे हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन, ठीक है दोस्तों? तो आइए इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए इसे अच्छे तरीके से, इसको आपको क्या करना है, देखना है। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, जो ये एम और एन एक मिरर है, ये ठीक है, ये मिरर है। इसको हमने एक्स और एक्स डैश पे जो है ना क्या किया, एक्सिस है ये, ठीक है। और यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जैसे आप देख ले रहे हैं, एम एन एक मिरर है, और ये हाइट है ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ये पॉजिटिव में है। और फिर इसके ऑब्जेक्ट, ये जो वस्तु है, और ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ इंसिडेंट कर रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी नेगेटिव चार्ज, ये डिस्टेंस इससे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पोल है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे मिरर के इस साइड आएंगे हम, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज होगा, और ये इस साइड जाएंगे तो हम प्लस चार्ज होगा, ठीक है, आपको याद रखना ये। अब ये किस में होता है, ये कैसे होता है, ये हमें समझना है आज इसमें। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट ऑन राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप अपवर्ड में की तरफ देख रहे हैं, ये राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये मिरर के डायरेक्शन में है, ये मिरर के डायरेक्शन में नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड, और यहाँ लेफ्ट साइड जो है ना क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, हाइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना ये है, तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द लेफ्ट मिरर, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर है पोल ऑफ द मिरर का, ठीक है। अब देखिए, द डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, एंड द मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एक्स माइनस एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ये नेगेटिव ले रखा, डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, ये यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव लिया गया, डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है ना ये नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पॉइंट टू रिमेंबर, हमें याद करना क्या है, तो पॉइंट टू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये जो मिरर फार्मूला है, इसको आपको रट जाना है, इससे आपके 2 से 3 नंबर के, आपके जो है ना दोस्तों 4 नंबर के इसमें आपके आते हैं आपके एग्जाम में, जो इससे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, छोटे एफ से हम दर्शाते हैं, यानी स्मॉल एफ ऑलवेज नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ ऑफ द कनवेक्स मिरर स्मॉल एफ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको देखना है कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव में क्या होता है, प्लस होता है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स में भी एफ होता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये आपको ये फार्मूला है, अब 1/f = 1/v + 1/u, यानी इमेज है वी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ, फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये देखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस पर आपको क्वेश्चन भी है, जैसे एच अपॉन में क्या है, ये h2/h1, यानी v - v/u, वॉट डिटरमाइन द साइन ऑफ द, इसका ये क्या डिटरमाइन करता है, ये हमें देखना है। और ये डिटरमाइन करता है, ये देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इन नेगेटिव इमेज इज रियल होगा, इट इज ए इफ एम इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल होगा, इफ एम इज 1 हाइट इज इमेज ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इफ एम लेस होगा ज़्यादा होगा 1 से, यानी 1 से अधिक होगा तो इमेज इनलार्ज होगा, 1 से कम होगा तो डिमिनिश्ड होगा। और मैग्नीफिकेशन फॉर प्लेन मिरर का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इफ एम इज यानी इज पॉजिटिव लेस देन 1 इट इज कन्वेक्स मिरर होता है, इफ एम इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 इट इज कनकेव मिरर, इट इज इन नेगेटिव इट कनकेव मिरर। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, मैग्नीफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट
और ये जो प्रैक्टिस के लिए आपका ये क्वेश्चन है, तो आइए इस सबको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में। चलिए, तो इंडिकेट, व्हाट डज इट इंडिकेट, तो पहले क्वेश्चंस का आपको आंसर था मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज प्लस वन, मीन्स द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं फ्रेंड्स, इफ द मैग्निफिकेशन एम इज माइनस वन, नेम द मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो मिरर इज कनकेव और मिरर एंड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख रहे हैं, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इन इफ द मैग्निफिकेशन इज प्लस वन, इमेज विल बी वर्चुअल इनरेक्टेड और मिरर विल बी इनलार्ज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द मिरर इफ़ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज एम, यानी एम से छोटा बड़ा होगा एक वन, ठीक है, फॉर एनी अपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड मिरर विल बी कन्वेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत अच्छा आसान है क्वेश्चन, इफ़ द वी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एट द करेक्टरिस्टिक, इसके वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू बहुत ही आसान है, आप जानते हैं, ये देखिए यहाँ है क्या है, वी इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है, यू इक्वल टू -5 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, कितना -5, तो एम इक्वल टू आपको पता होना चाहिए माइनस वी अपॉन में यू होता है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं -10 अपॉन में -5, तो इससे ये कट कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका +2 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इमेज वर्चुअली एन इरेक्टेड होगा, इमेज जो है ना दोस्तों, इसका क्या होगा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका दोस्तों, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, आप सुन करके इसे लिख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इमेज जो है ना वर्चुअल इरेक्टेड है और ये +2 आया इसका। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज वर्चुअल इरेक्टेड होगा और ये +2 आ गया, ये -, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।